सब्सक्राइब कीजिए साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे पास मदर डेयरी का काउ मिल्क है और इस काउ मिल्क का जो रैपर है, आज हम इसके रैपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इसके रैपर पे क्या लिखा होता है और ये इनमें जितने सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, इन इंफॉर्मेशंस का क्या मतलब होता है। तो चलिए आसान भाषा में इसके जितने रैपर के ऊपर इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, इनका एनालिसिस करते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास काउ मिल्क है, ये हमारा मदर डेयरी का है और चलिए ये मदर डेयरी का काउ मिल्क है, इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस, इसके रैपर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इनके रैपर पे जो लिखा है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो भी कंपनी होती है उनका ये ब्रांड नेम होता है, यानी कि ये मदर डेयरी का मैंने आज खरीदा है और इसके नीचे लिखा है काउ मिल्क, यानी कि गाय का दूध। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गुड फॉर यंग चिल्ड्रेन। अब आप जरा ध्यान से देखें, इसके ऊपर एक हैस का साइन लगा है, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि इट इज द एज 25 मंथ एंड एवब, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे, यहाँ पे यंग चिल्ड्रन लिखने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो 25 मंथ से एवब है, उनके लिए ये काफी अच्छा है। अब दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउ मिल्क इज स्वीट टेंडर एंड कूल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि काउ मिल्क मीठा है और कूल इन नेचर है, मतलब थोड़ा ठंडक देता है। और ये एक्चुअली किस बेसिस पे लिखा है, यहाँ पे ये चरक संहिता, एक आयुर्वेद का एक बुक है, उसके बेसिस पे काउ मिल्क को डिस्क्राइब किया गया है। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंशियंट बुक ऑफ आयुर्वेदा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और लिखा है कि पास्चराइज्ड होमोजिनाइज्ड काउ मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, पास्चराइज्ड मतलब कि पास्चराइजेशन एक मेथड है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है और फिर कूल किया जाता है। दोस्तों, अगर ये पास्चराइजेशन का आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि पास्चराइजेशन क्या होता है। अब दोस्तों, होमोजिनाइज्ड का मतलब क्या है? होमोजिनाइज्ड का मतलब ये होता है कि एक जैसा, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मिल्क है तो आप मिल्क का कोई भी मिलीलीटर लेंगे, यानी कि इस पैकेट में यहां से ले ले, यहां से ले ले, कहीं से भी ले ले, तो ये आपको एक जैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि इस वाले पार्ट में प्रोटीन ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है या दूसरे वाले पैकेट पे, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि होमोजिनाइज्ड का मतलब यही हुआ कि ये एक जैसा है। अब दोस्तों, ये फ्रंट वाले पे हमने ये देख ही लिया और ये देखे, ये यहाँ पे लिखा है कमिटेड टू क्वालिटी, इसका एक साइन है, और यहाँ पे लिखा है इजी टू डाइजेस्ट ए स्मॉलर प्रोटीन एंड फैट ग्लोब्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, इजी टू डाइजेस्ट यानी कि स्मॉलर प्रोटीन, काउ मिल्क को ऐसा माना जाता है कि ये इजिली डाइजेस्टिबल होता है, इसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू जो बफेलोज वगैरह से हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्मॉलर प्रोटीन एंड फैट ग्लोब्यूल्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीजों को ऐसे समझिए कि अगर कोई रस्सी है तो रोप है, अब उस रस्सी रोप का छोटा छोटा पार्ट और एक बड़ा सा पार्ट है, तो सिमिलरली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये बहुत लॉन्गर प्रोटीन नहीं है, स्मॉलर प्रोटीन, इसका मतलब यही हुआ। और जब स्मॉलर प्रोटीन होगा तो उसका जो मॉलिक्यूल चेन है वो ज्यादा नहीं होगा, तो ये हमें डाइजेस्ट करने में इजी होगा, इस वजह से यहाँ पे लिखा है इजी टू डाइजेस्ट। इसलिए जो हमारा फुल क्रीम मिल्क होता है उसके कंपैरिजन में काउ मिल्क को ऐसा माना जाता है कि ये
इजी डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये फ्रंट का फ्रंट के रैपर पे ये लिखा है, मैंने इसे कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, अब ये है यहाँ पे 23 दिसंबर 2019। दोस्तों आज का डेट है 22 दिसंबर, और ये यानी कि ये एक्सपायरी डेट है, यानी कि 23 दिसंबर 2019 तक मुझे ये यूज करना है, यानी कि नेक्स्ट डे तक, और आज 22 है। अब दोस्तों इसके बैक पे आते हैं और बैक पे कंप्लीट इसका इंफॉर्मेशन समझते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे लोगो है, ये मैंने पाश्चराइज्ड होमोजिनाइज्ड काउ मिल्क मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, गौर करने वाली बात है कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर 100 ml। अब देखिए यहाँ पे भी एक हैस का मार्क लगा है, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझा देता हूं कि इसमें है एनर्जी 68 kcal का मतलब होता है किलो कैलोरी, ये इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है kcal, ये हो गया किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी। जो एनर्जी हम लोग मीजर करते हैं या तो जूल में मीजर करते हैं या हम लोग कैलोरी में मीजर करते हैं, तो यहाँ पे इसने कैलोरी में मीजर कर रखा है। अब ये हो गया हमारा प्रोटीन 3.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4.8 ग्राम। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सब एसेंशियल चीजें हैं जो जो भी फूड जो भी हम लोग खाते हैं उन सब चीजों में ये सब पाया जाता है। अब यहाँ पे एडेड सुगर 0.0 ग्राम का, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं से भी सुगर यानी कि चीनी को ऐड नहीं किया गया है, या सुगर कंटेंट एक्सटर्नली का मतलब यह है कि हमने इसे ऐड नहीं करा, इट मे बी प्रेजेंट, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है, बट एडेड सुगर का मतलब यही है कि हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है फैट आ गया 4.1 ग्राम, फिर यहाँ पे आता है कैल्शियम 109 mg, mg का मतलब होता है मिलीग्राम, यानी कि 10^-3 ग्राम। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे ये एक मार्क लगा था हैस मार्क, इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि नॉट ऑलवेज ऐसा ही होगा, हो सकता है कि आज का 68 किलो कैलोरी है या फिर नेक्स्ट डे आप लो तो उसमें 67 किलो कैलोरी हो सकता है, प्रोटीन 3.1 है, 3.2 भी हो सकता है और 3.0 भी हो सकता है, 2.8, यानी कि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप इन चीजों को इसलिए समझिए कि डेली ये जो रैपर प्रिंट होता है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो उस डेट में जो हमारा प्रोटीन विटामिन होगा उसी डेट का रैपर डेली प्रिंट हो, नहीं ऐसा नहीं होता, ये रैपर पहले से प्रिंट होता है, मिल्क आता है और फिर इसमें पैकिंग होता है, तो इस वजह से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए ये इसमें एक चीज और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये 100 ml के लिए है और ये हमारा पैकेट 500 ml का है, ये यहाँ पे नेट क्वांटिटी 500 ml लिखा हुआ है, तो ये नेट क्वांटिटी 500 यानी कि अगर आप ये कंप्लीट 500 ml का मिल्क यूज करते हैं तो आप हर चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 68 किलो कैलोरी मल्टीप्लाइड बाई 5, प्रोटीन अगर 3.1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यानी कि 15.5 ग्राम हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस तरीके से अब जैसे फैट है 4.1 ग्राम है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 20.5 ग्राम, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट 500 के पैकेट में आपको ये इतना मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नेट क्वांटिटी 500 ml और MRP यहाँ पे दिया हुआ है 24, ये दोस्तों 22 दिसंबर 2019 है और इसलिए ये आज का डेट 24 है, इन फ्यूचर में भी ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस,
आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे यानी कि 24, यानी कि आपको 24 से ज्यादा पेड नहीं करना है, आप कम पेड कर सकते हो, इन जनरल ऐसा होता नहीं है, बट हाँ 24 इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मीनिंग ऑफ एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और आपको 24 से ज्यादा इसके लिए पेड नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ब्लैक साइन है, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता होगा ये ब्लैक साइन क्यों, इस तरीके का रेक्टेंगुलर ब्लैक साइन क्यों बना रहता है। ये रेक्टेंगुलर ब्लैक साइन इसलिए बना रहता है कि ये जो ऑप्टिकल कैमरास वगैरह लगे होते हैं जब पैकेजिंग, तो ये मीजर करता है, ये जब पैकेजिंग का काम होता है, जैसे ये है, ये इस तरीके से आया फिर आया, तो ये जो ब्लैक है तो ये ऑप्टिकल मेजरमेंट की वजह से ये इस तरीके का बाल रहता है, ताकि इस रैपर को कहां से कट करना है ये पता चल सके। उसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं और वो ऑप्टिकल रेस की वजह से, मतलब ऑप्टिक्स की वजह से उसे डिटेक्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर सर्विसेस लिखा है, यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, मदर डेयरी पटपरगंज दिल्ली 100, ये इसका एड्रेस दिखा है, ये टोल फ्री नंबर है। लिमिटेशन ऑफ लेवल ग्राफ, अब देखिए इसके नीचे लिखा है लिमिटेशन ऑफ लेवल ग्राफिक डिजाइन एंड कलर स्कीम ऑफ द पैक इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि आप इसके जो भी लेबलिंग वगैरह है, ग्राफिक्स वगैरह है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसकी नकल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नकल किया हुआ कहीं पे कोई इंसान नकल करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है यूज बाय डेट एंड बैच सी एस नाम व्हेन प्रोडक्ट इज स्टोर्ड रेफ्रिजरेटेड बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी मैंने ही यहाँ पे दिखाया था कि ये रहा हमारा 23 दिसंबर तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके नीचे एक बड़े अच्छे से ये लिखा हुआ है कि व्हेन प्रोडक्ट इज स्टोर्ड रेफ्रिजरेटेड बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। इसलिए दोस्तों मिल्क को अगर आप शॉप पे जाओगे तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, यानी कि आपको 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, तब आप इसको यूज कर सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन तक। जैसे आज डेट 22 है, बट ये आप कल तक यूज कर सकते हो 23 तक। और ये आता है आपका कीप योर सिटी क्लीन, और दोस्तों ये लगा रहता है, इसकी वजह से जो बार कोड रीडर है उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट डाइटरी फूड सोर्स एंड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट especially during the foundation year, 2 glasses of mother dairy cow milk may provide up to 70% of your child daily requirement of calcium and 60% protein. अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक first star mark यहाँ लगा है और यहाँ पे double star mark लगा है। इसका मतलब ये है कि 1 glass यहाँ पे consider किया गया है 200 milliliter, यानी कि अगर आप 200 milliliter of milk लेते हैं तो ये आपको, अगर जो बच्चा है तो उसका डेली का जो रिक्वायरमेंट है उसका 70% कंप्लीट कर सकता है जो उसका, और यहाँ पे डबल स्टार है कि मतलब कैल्शियम, और 60% यानी कि आप दिन भर में जो भी यूज करेंगे उसका 70% डेली का रिक्वायरमेंट, और जो उसका कैल्शियम है एंड जो प्रोटीन है 60% प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। बट एक चीजें आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन आरडीए, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और फॉर 4 to 6 year चिल्ड्रेन आईसीएमआर है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2010, ये एक डेटा प्रोवाइड किया गया था कि इस बेसिस पे इन्होंने ये लिखा है, इस डेटा आरडीए फॉर 4 to 6 year, ये स्पेसिफिक दिया है कि 4 से 6 year तक के बच्चों के लिए आईसीएमआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये डेटा प्रोवाइड किया, इसके बेसिस पे इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क लेते हैं तो ये आपको हो सकता है। बट दिस इज नॉट द कि हाँ आपको एग्जैक्ट ऐसा मानना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये तो एक जनरलाइज डेटा है, बट स्पेसिफिक डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट तरीके से एक्ट कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये देखें, इन्होंने ये करा है मार्केटेड बाय,
मदर डेयरी ये जो कंप्लीट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो कंपनी है ये मदर डेयरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये मार्केटेड बाय। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान से कि इसमें इन्होंने इतने सारे लाइसेंस नंबर क्यों लिख रखे हैं। दोस्तों चीजों को ये समझिए कि इनके बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट होते हैं और अलग अलग प्लांट कंपनी एक ही है बट इनके अलग अलग प्लांट होते हैं या अलग अलग प्लांट से इनका लिंक रहता है, इस वजह से इन्होंने इतने सारे लाइसेंस नंबर लिख रखे हैं कि ये कौन सा जगह पे ये प्रोडक्ट ये बन रहा है और ये कहां से आ रहा है। तो अब इसका भी देखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए ये यहाँ पे मार्केटेड बाय तो इन्होंने लिखा है। अब एक चीज है यहाँ पे ध्यान देखिए ये FSSAI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप अगर कुछ एडिबल चीजें फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको इससे लाइसेंस लेना पड़ता है और ये संस्था देखती है कि आप प्रॉपर सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं, जो एक रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय इंडियन पोटास लिमिटेड डेयरी डिवीजन, ये सिकंदराबाद है बुलंदशहर का। फिर यहाँ पे है एक अनदर लाइसेंस नंबर NDRI करनाल हरियाणा, फिर यहाँ पे है अलवर राजस्थान, फिर यहाँ पे है करनाल हरियाणा। तो इस तरीके का ये डिफरेंट डिफरेंट इनका लोकेशन है बट इनका ब्रांड नेम वही है मदर डेयरी। दोस्तों हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किस कौन से यूनिट से आया है। दोस्तों ये देखने का एक ट्रिक होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लीज सी फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द बैच कोड एंड सी एवब, यानी कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11/23/19 तो ये जो 11 है अब इस 11 को इसमें ढूंढिए कि ये 11 कहाँ है, तो 03/04/05/08/11 तो ये रहा 11, यानी कि ये जो पैकेट आया है ये आया है मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड इस वाले यूनिट से गाजियाबाद हापुड़ रोड हापुड़। तो ये जो हमारे पास अभी इन हैंड में है ये यहाँ से आया है, तो आप यहाँ से इस वाले से मैच करके देख सकते हैं कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट ये मिल्क आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मदर डेयरी के काउ मिल्क के रैपर का कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।